तो जोमेटो में बने रह सकते हैं। पेटीएम पर भी अपनी राय दीजिए, चार्ट्स पर कैसा लग रहा है आपको? आज 2% ऊपर है और इन्हें भी मुनाफा हो रहा है, तो मुनाफा लेकर निकल जाना चाहिए या फिर बने रहे? देखिए अभी थोड़ी देर पहले एक स्पाइक आया 2%, और आज हम आपको बता दें कि आज कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वहां पर भी कुछ घोषणाएं हो सकती है, तो उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। क्या अनुमान है ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, बट गौरव सजेस्ट करिए पेटीएम में भी। देखिए ये सभी जो न्यू एज कंपनीज के स्ट्रक्चर एकदम एक ही जैसे हैं, जहाँ पे आपको एक लिस्टिंग के बाद फॉल देखने मिली, एक टेम्पररी बाउंस बैक देखने मिला, फिर अपना प्रीवियस स्विंग लो तोड़ा। जोमेटो का भी इसी तरह से था। तो अगर मैं वही स्ट्रक्चर इसमें अगर एक्सट्रापोलेट करता हूँ तो प्राइमरी आपको बने रहना चाहिए। जो इसके लोज थे 440 के आसपास के जो लोज थे वो आपको स्टॉप लॉसेस होंगे, और यहाँ पे एक बार क्लोजिंग अगर 515 के ऊपर आ जाती है तो फिर जो है यहाँ पे एक अच्छी अवसर देखने मिलेगी। तो काफ़ी सारे जो कंपनीज है वो यही स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं और वहाँ से एक अच्छी बाउंस बैक देखने मिली। इनकी बाइंग प्राइस काफी अच्छी है तो मैं समझता हूँ कि इनको इसका पूरा भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इनके अगर इनको फिर भी थोड़ा सा जिटरी फील हो तो आप पार्शियल क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लीजिए, अगर नीचे आएगा तो आप फिर से रिव्यू कर सकते हैं। तो मैंने एग्जिट का मौका नहीं मिला, ऐसा ना हो तो आप पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लीजिए, 10% आपको मिल रहा है, आप एक बार थोड़ा सा बुक कर लीजिए, बाकी आप 440 स्टॉप से होल्ड कीजिए।